इस वीडियो और आने वाले ऐसे कई वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ बहुत खतरनाक फायरिंग हो रही है और इससे पहले कि मैं यहां से भागू, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। आर्मी में एक थंब रूल फॉलो किया जाता है और वो है, सबसे पहले अपनी रक्षा करो और फिर मौका मिलते ही दुश्मन पे टूट पड़ो। बिल्कुल वैसे ही शेयर मार्केट में पहले अपनी पूंजी की रक्षा करो और फिर मौका मिलते ही फायदे का सौदा करो। शेयर मार्केट आपके लिए नए नए अवसर लाता रहेगा, लेकिन आपको उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए अपनी पूंजी यानी कि आपकी मूल रकम ये सेफ रखनी होगी। और वो हम कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस के द्वारा। तो क्या है ये स्टॉप लॉस? मान लीजिए आपको अबंडेंट स्टॉक एडवाइजर्स द्वारा एक शेयर खरीदने की सिफारिश मिलती है जिसकी कीमत है 100 रुपया और स्टॉप लॉस दर्शाया है 96 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस शेयर की कीमत 96 रुपए या उससे नीचे आती है तो आपको उस शेयर को अगले दिन तुरंत बेचना होगा। आज 4 रुपया नुकसान लेने में अकलमंदी है। कुछ दिनों में अगर यही शेयर 10 रुपया हो गया तब आप क्या करोगे? अब हम आपको देते हैं अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, मंत्र 5। स्टॉप लॉस के बिना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। शेयर मार्केट में लिए गए छोटे नुकसान आखिर में फायदेमंद साबित होते हैं। अब स्टॉप लॉस संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखें, स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेडिंग सिस्टम में ना लगाएं। जब मार्केट बंद हो जाए तब देखिए शेयर की क्लोजिंग प्राइस क्या है। अगर शेयर की क्लोजिंग प्राइस स्टॉप लॉस से कम है तो अगले दिन उसे बेच दे, यानी स्टॉप लॉस रहेगा केवल आपके दिमाग में। अबंडेंट स्टॉक एडवाइजर्स के हर शेयर रिकमेंडेशन के साथ क्लाइंट्स को मिलता है तकनीकी रूप से कैलकुलेट किया हुआ स्टॉप लॉस। तो हमारा पहला उद्देश्य अपने क्लाइंट्स को तुरंत लाभ दिलाना नहीं है, बल्कि उनकी पूंजी को हर हाल में सुरक्षित रखना है। हमारी पूरी सर्विस इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अगर हम क्रीज पर टिके रहेंगे तो रन्स तो आने ही है। मंत्र 6। वेलकम। अब अगला सवाल यह उठता है कि आपने कितने शेयर्स में निवेश करना चाहिए? 1, 2, 5, 10, 50? समझे कि अगर आप कम शेयर्स लेते हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा शेयर्स लेते हैं तो जो प्रॉफिट्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आप इतने सारे शेयर्स को ठीक से मैनेज भी नहीं कर पाते। तो क्या करें? तो मान ले कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है। तो जैसे जैसे अबंडेंट स्टॉक एडवाइजर से आपको शेयर्स खरीदने की सिफारिशें मिलेंगी, वैसे वैसे आपको 10% रकम यानी कि 10,000 रुपए हर शेयर में निवेश करना है। तो ऐसा करके आपकी पूरी रकम इक्वल अमाउंट में 10 शेयर्स में निवेश हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि 10% रकम 10 स्टॉक्स में, यह एक परफेक्ट गणित है। अब चलो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये 10 के 10 शेयर्स शायद आपको मुनाफा नहीं देंगे, 1 या 2 शेयर्स स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमारे पिछले मंत्रा के अनुसार आपको उन शेयर्स को बेच देना है और भविष्य में दिए जाने वाले सिफारिशों के अनुसार उनकी जगह नए शेयर्स लेने हैं।
आपके पोर्टफोलियो में फिर से 10 शेयर्स आ जाएंगे। चलिए आपको एक खुशखबर देते हैं, अब आपके बचे हुए शेयर्स जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे और स्टॉप लॉस के कारण हुए नुकसान की भरपाई करेंगे, प्लस आपको बड़ा प्रॉफिट भी दिलवाएंगे। महीने दर महीने आप निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखेंगे। चलो देते हैं आपको मंत्रा 6। शेयर मार्केट में एक या दो शेयर्स में इन्वेस्ट करके जोखिम ना लें। वैसे ही 30 या 40 शेयर्स लेकर अपने इन्वेस्टमेंट को बेकार ना करें। अपनी पूरी पूंजी को 10 समान हिस्सों में बांटकर केवल 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएं। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल और बड़ी मामूली लगती है, लेकिन आप इसका धार्मिक रूप से पालन करेंगे तो आपका फायदा निश्चित रूप से होगा। एक इन्वेस्टर को एक्चुअली बरसों लग जाते हैं एक अच्छा काम करने वाली सिंपल चीज समझने के लिए। हमने इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को कई वर्षों से आजमाया है और हमारे अनेक क्लाइंट्स इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी ने आज तक हमें धोखा नहीं दिया। मंत्र 7। हेलो, सो अबंडेंस स्टॉक एडवाइजर्स की सिफारिशों और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पालन करने के बाद आप निश्चित रूप से महीने के अंत में प्रॉफिट देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हेन टू सेल। पोर्टफोलियो के शेयर्स को बेचना कब है? आप ये बास्केटबॉल प्लेयर देख रहे हैं, ये बहुत ही फोकस्ड है, उसका एक ही लक्ष्य है, कुछ भी करके बॉल को बास्केट में डाल देना है इसको, वरना ये खेल खेलने में कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए। और एक्चुअली बिना किसी लक्ष्य के कुछ भी करने में कोई मतलब नहीं। बिल्कुल वैसे ही याद रखें, शेयर मार्केट में निवेश करते समय आपके दिमाग में एक वित्तीय लक्ष्य यानी कि एक फाइनेंशियल गोल होना बहुत जरूरी है। उदाहरण, आपका फाइनेंशियल गोल है कि एक साल के बाद आपको कार खरीदनी है और मान लीजिए कि कार की कीमत है 7 लाख रुपए और आपने मार्केट में लगाया है 4 लाख रुपए। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को 7 लाख रुपए तक बढ़ते देखेंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो के सभी शेयर्स को बेच देना। 7 लाख रुपए घर लाइए और अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कीजिए। हम आपको अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रा देते हैं, मंत्रा 7। शेयर बाजार में हमेशा एक स्पष्ट फाइनेंशियल गोल के साथ निवेश करें। लक्ष्य पूरा होते ही प्रॉफिट बाहर निकाल लें। यह रणनीति आपके डर और लालच को दूर रखेगी, जो कि स्टॉक मार्केट्स में आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अब एक विशेष बात, अपना लक्ष्य हर महीने 10% या 20% मुनाफा कमाना मत रखिए। ऐसा करने से आप महीने दर महीने कई शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, यानी कि आप ट्रेडिंग कर बैठोगे, जिससे कि आपका भारी नुकसान हो सकता है। आपका फाइनेंशियल गोल आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई मीडियम या लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जैसे 6 महीने बाद वेकेशन पर जाना है तो उसके लिए आप पैसा जोड़ रहे हो, साल के बाद बच्चों की फीस भरनी है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इससे आप अपने शेयर्स को एक अच्छा वक्त दोगे बढ़ने के लिए। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे जिससे आप निश्चित रूप से प्रॉफिट्स कमाओ। मंत्रा 8। हेलो, अब ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई फाइनेंशियल गोल ही नहीं है, तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? चलो मान लो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के 10 शेयर्स को बेच देते हैं केवल 10% प्रॉफिट में और फिर से नए 10 शेयर्स ले लेते हो, इन्हें फिर से बेचते हो और फिर से 10 शेयर्स लेते हो, तो समझ लो ये एक प्रकार की ट्रेडिंग हो गई
और स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप चाहे तो आजमा के देख लीजिए अपने रिस्क पर, वास्तव में आपका नुकसान ही होगा। और ऐसे आपके साथ कई बार होगा कि जो शेयर आपने केवल 10% प्रॉफिट में बेचा होगा वो आज के डेट में 2 से 3 गुना हो गया होगा। तो याद रखिए, अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है तो हम आपको एक देना चाहेंगे। आप एक किसान देख रहे हैं, बस आपको एक किसान बन जाना है, यही होना चाहिए आपका गोल। अपनी फसल को पालिए, पोसिए, उसे अपना टाइम और एनर्जी दीजिए और फिर जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए तभी उसको काटिए। एक किसान इसी तरीके से पैसा कमाता है। तो जब पोर्टफोलियो के शेयर्स दौड़ रहे हैं तो हमें उनका पालन पोषण करना है बिल्कुल फसल की तरह, और अधिकतम प्रॉफिट मिलने के बाद ही उन्हें बेचना है। आप समझिए, जब भी आप एक नया स्टॉक खरीदने जाते हैं तो एक रिस्क होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का। अब जब आपने शेयर खरीद लिया, उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस स्टॉक से मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकले, फसल को पूरी पकने के बाद ही काटें। चलो देखते हैं एक महत्वपूर्ण मंत्र, मंत्र 8। स्टॉक मार्केट को अन्य किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रीट करें, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। सही शेयर्स खरीदने के बाद उन्हें सही वक्त तक होल्ड कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। रातों रात अमीर होना शेयर मार्केट में मुमकिन नहीं। अब किसी भी शेयर से अधिकतम प्रॉफिट्स कैसे लें? गुड न्यूज, अबंडेंट स्टॉक एडवाइजर्स ने एक एग्जिट स्ट्रेटजी डिजाइन की है जो आपको बताएगी कि किसी भी शेयर से अधिकतम प्रॉफिट्स लेकर बाहर कब निकलना है। उदाहरण, हमने एक स्टॉक रेकमेंड किया 100 रुपीज पर और उसका टारगेट हमने दिया 140 रुपीज। अब याद रखे, 140 रुपीज उस शेयर का मिनिमम टारगेट है, शेयर की क्षमता कई ज्यादा हो सकती है। तो क्षमता के अनुसार मान लो शेयर मैक्सिमम प्राइस हिट कर जाता है 1000 रुपीज। शेयर अभी तक अप ट्रेंड में था तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी ने ऑब्वियसली एग्जिट सिग्नल नहीं दिया। अब शेयर डाउन ट्रेंड में आकर 1000 रुपीज से नीचे गिरने लगता है, 1000 से 990, 990 से 980 और फिर 950 रुपए। तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी आपको एग्जिट सिग्नल देगी लगभग 950 रुपए पर। दैट मींस लगभग पीक प्राइस से 8 से 10% नीचे। मतलब हमने शेयर खरीदा 100 रुपए पर और बेचा 950 रुपए पर, यानी कि इस स्ट्रेटजी से हम फायदा उठाएंगे किसी भी स्टॉक की 90% अपवर्ड रैली का, ना कि सिर्फ 10 या 20% में प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेंगे। स्टॉक मार्केट्स में कोई गारंटी नहीं आती, लेकिन ये पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और अभी तक देखे गए मंत्रास एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको प्रॉफिट्स का एक सुनहरा अवसर देते हैं। इसे हमारे हजारों क्लाइंट्स ने सफलतापूर्वक आजमाया है और मार्केट में बहुत प्रॉफिट्स कमाया है। बस यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। मंत्र 9। नमस्कार फ्रेंड्स, तो पोर्टफोलियो के शेयर्स बेचने के लिए हमने अब तक 2 स्ट्रेटजी देखे, 1 फाइनेंशियल गोल पूरा होते ही और 2 हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी एग्जिट सिग्नल देते ही। तो यह स्पष्ट है कि भावनाओं का स्टॉक एग्जिट करने में कोई रोल नहीं। अब हमारा अनुभव यह कहता है कि नुकसान उठाना तो एक इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है ही, लेकिन प्रॉफिट लेना एक निवेशक के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो इसलिए
क्योंकि आप अपने शेयर्स के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, और चाहे कितने भी दांव पेच आपको पता हो, आप उन शेयर्स को प्रॉफिट में कभी बेच ही नहीं पाते। जैसे कुछ निवेशक ऐसा मान के शेयर्स खरीदते हैं कि इन शेयर्स को तो मैं अब अपनी बिटिया की शादी के वक्त ही बेचूंगा। हाँ, हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी शादी में बहुत खर्चा होता है, लेकिन ये सोच गलत है। तो भले आज उन शेयर्स में 500% प्रॉफिट दिख रहा है और एग्जिट स्ट्रेटजी एग्जिट सिग्नल भी दे रही है, लेकिन वो उन्हें बेचते ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल वैल्यू जुड़ जाती है। मन अनेक प्रकार के खेल खेलने लगता है और आप आपके भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। याद रखें, ऐसा करने से आपका नुकसान होना तय है। देखते हैं अगला मंत्र, मंत्रा 9। अपने शेयर्स को लेकर भावुक मत होइए। स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ एक अनुशासित यानी कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही पैसा कमा सकता है। भावनाओं के लिए यहां कोई जगह नहीं, वे हमेशा नुकसान का कारण बनती है। याद रखें, आपके इमोशंस की जरूरत आपके परिवार को है, आपके शेयर्स को नहीं। सही वक्त पर प्रॉफिट्स की बुकिंग करें। लाभ को नुकसान में बदलने का अवसर मत दीजिए। आई रिपीट, लाभ को नुकसान में बदलने का अवसर मत दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर मार्केट में आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मंत्र 10। हेलो फ्रेंड्स, धन कमाया नहीं जाता, उसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। धन एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। यदि आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो, तो आपको अपनी ऊर्जा का स्तर धन की ऊर्जा के स्तर से ऊंचा ले जाना होगा। बस फिर देखिए, यह सृष्टि आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है, बस आपकी पात्रता होनी चाहिए। तो ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ाए? हम पेश करते हैं हमारा आखिरी मंत्र, मंत्रा 10, द मंत्र ऑफ अबंडेंस। सबसे पहले आपको नेगेटिव एनर्जीज यानी कि नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता जैसी अनेक नकारात्मक भावनाओं का त्याग करना होगा। ये सारी चीजें आपको तरक्की करने से रोकती है। आप बस सबसे बिना शर्त प्यार करें। अगर आपके जिंदगी में प्यार बढ़ गया तो धन अपने आप आपके पास आकर्षित हो जाएगा। ध्यान और साधना करें, यह बहुत जरूरी है। सच बात कहे और समझे तो यही करने के लिए आपका जन्म हुआ है। फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप ध्यान करते हो तो आपसे जुड़े हुए कई लोगों का उद्धार करते हो, मतलब आप सृष्टि का ही काम करते हो और बदले में सृष्टि आपको अबंडेंस प्रदान करती है। अन्नदान करें। किसी को खाना खिलाना ये एक बहुत बड़ा दान होता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी परंपरा में सदियों से चलता है। अगर आपने ये दान किया तो आप समझ ले कि आप बहुत ही लकी बन जाओगे, और शेयर मार्केट में आपको लक की बहुत जरूरत पड़ेगी। कुछ स्पेशल प्राणी है जिनकी सेवा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे इन काली चींटियों को आप खिलाएं, मछलियों का ख्याल रखिए, इन्हें भी खाना खिलाएं। गाय को खिलाने से तो आपके भाग्य ही बदल जाएगा। गाय को तो आप जरूर जरूर खिलाएं। कुत्तों को खाना खिलाना भी बहुत अच्छा है। बस याद रखिए, ये सब अन्नदान
अपने खुद के कमाए हुए पैसों से ही करना चाहिए। धन से सही भाव से प्रेम कीजिए। धन कमाना आपका अधिकार है, इसमें गलत कुछ भी नहीं। जो आपको कहते हैं धन कमाना मोह माया है, उनसे आप दूर ही रहें। धन का सम्मान कीजिए। एक बहुत ही आसान तरीका धन के प्रति सम्मान दिखाने का यह है कि आप अपने पर्स में नोटों को अच्छे से अरेंज करके रखें। जैसे सबसे पहले बड़े मूल्य के नोट, फिर छोटे मूल्य के नोट। जैसे पहले 500, फिर 200, फिर 100, फिर 50। इनको अच्छे से सीक्वेंशली रखें। नोटों को आड़े टेढ़े फोल्ड करके मत रखिए। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फालतू बिल्स हैं, इन्हें अपने पर्स और अलमारी से निकाल फेंके, इनकी तो जरूरत ही नहीं है आपको। स्त्रियों का शेयर बाजार के लाभ से सीधा संबंध है। शेयर बाजारों में पैसा कमाने के लिए आपको उन सभी महिलाओं का स्पेशल ख्याल रखना होगा जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी पत्नी, आपकी मां, बहन या बेटी। आप उन्हें जितना खुश रख सकते हैं उतना रखिए। स्टॉक मार्केट से कमाए धन से 30% धन महिलाओं को दान करें। महिलाओं के लिए बने स्कूल्स, आश्रम एटसेट्रा एटसेट्रा में आप डोनेशंस भी दे सकते हैं। याद रखिए, प्रकृति के नियम के अनुसार जिस भी चीज पे आप ध्यान देते हैं, आप फोकस करते हैं, वो आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। तो शेयर मार्केट में सिर्फ लाभ पर ध्यान दीजिए, लाभ की ही बात कीजिए। लाभ आपके जीवन में आकर्षित और सक्रिय हो जाए। जब भी अवसर मिले तो पौधे जरूर लगाए। एनर्जी के तौर पे पेड़ लगाना और अपनी तरक्कियों का बीज बोना एक ही बात है। जो भी आप चाहते हैं पहले वो देने की कोशिश करें। आओ आपको बताते हैं हमारी एक स्पेशल जैकपॉट थ्योरी। वो कहती है, अगर आप धन चाहते हैं तो किसी की धन देकर मदद कीजिए। स्तर चाहे कुछ भी हो, ज्यादा या कम, इससे फर्क नहीं पड़ता। धन की एनर्जी क्रिएट कीजिए। धन देकर किसी के लाइफ में जैकपॉट निर्माण कीजिए। तो वहां उन्हें जैकपॉट मिला, यहां सृष्टि आपको उससे कई बड़ा जैकपॉट देगी। 100% हमने सृष्टि के इस नियम को फेल होते आज तक कभी नहीं देखा। जो भी आप देंगे वो बदले में आपके पास अबंडेंस में आ जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। हम आपको देते हैं जिंदगी बदल देने वाला मंत्र, द मंत्रा ऑफ अबंडेंस। इन सारे सृष्टि के नियमों का पालन कीजिए। भरोसा रखें, आपके लाइफ में सृष्टि अबंडेंस निर्माण कर देगी। फ्रेंड्स, बस आप ये आखिरी मंत्र फॉलो कीजिए, आपके लाइफ में अबंडेंस हो जाएगा। पैसों की तो बरसात हो जाएगी। आपको हमारी तरह स्टॉक एडवाइजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस सरल से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें वर्षों लग गए, उस ज्ञान को कुछ ही मिनटों में आपने पा लिया है। आपकी हाई एनर्जीज की वजह से आप इस वीडियो तक पहुंच गए। अब आप वो 2% इन्वेस्टर्स में शामिल हो सकते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो ये 10 मंत्रास कभी भी मत भूलिए। हमारे YouTube चैनल पे और भी कई वीडियोस हैं जो आपके लाइफ में काफी वैल्यू ऐड करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, उन्हें आप जरूर देखें। और हां, हमारे आने वाले ऐसे कई और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन किया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और इस ज्ञान को जरूर बांटिए। आपके कमेंट्स का भी हमें बेसब्री से इंतजार है। इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कभी किसी रोज आप अपनी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्श या मर्सिडीज लेकर पूना आए तो हमें चाय पे जरूर बुलाइएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।